वेलकम टू ऑल सभी को नमस्कार टुडे आई वुड लाइक टू शेयर द डिटेल्स ऑफ सम योगा वैकेंसीज आज मैं आपको योग के क्षेत्र में आई कुछ योग वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में आई एम इंटरेस्टेड नहीं लिखें आप जो वीडियोज़ को केयरफुली सुने ध्यान से सुने देखिए कि किस यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइजमेंट जारी की है क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना है या ऑफलाइन ये सब देखने के बाद आप संबंधित यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें आप कमेंट्स में बार बार आई एम इंटरेस्टेड नहीं लिखें क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट मैंने जारी नहीं किया है मैंने आपको अपॉइंटमेंट नहीं देनी है ये संबंधित यूनिवर्सिटी ने आपको अपॉइंटमेंट देनी है वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए और एक योग वैकेंसी के बारे में आपको मैं बताऊँगा जहाँ अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह पता कीजिए कि वास्तव में ये सही है या एक फ्रॉड है देखिए प्रथम दृष्टया देखने में ये एक फ्रॉड लग रहा है फिर भी आप उसको अच्छी तरह चेक कीजिए इंस्टीट्यूट को चेक कीजिए और किसने ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया है वहाँ से आप पता कीजिए आई विल नॉट रिकमेंड यू टू अप्लाई देयर यू फर्स्ट इन्वेस्टिगेट थरोली एंड देन अप्लाई देयर इट मे बी ए फ्रॉड तो उसमें आप अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह उसका पता कीजिए फिर ही आप अप्लाई कीजिए सो लेट्स कंटिन्यू ये देखते हैं क्या योग वैकेंसीज हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकटंक में आई योग वैकेंसी की तो देखिए ये मेन वेबसाइट है ये होम पेज है यूनिवर्सिटी का इसमें देखिए आपको योग वैकेंसी का मिलेगी इसमें मेन पेज को हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए योग कैंसी कहाँ है इसमें ये देखिए रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आया यहाँ पे तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा इसको आप स्क्रॉल डाउन कीजिए देखिए योग वैकेंसी कहाँ पे है रिक्वायरमेंट्स ये देखिए ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल तो इसमें आप पहले जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप देखिए कहाँ पे मिलेगी आपको ये देखिए क्लिक हेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट क्लिक हेर टू अप्लाई ऑनलाइन तो जब आप इस पर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे तो एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी इस तरह से देखिए डिटेल नोटिफिकेशन में क्या लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग पोजिशंस ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट इन इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मेन कैंपस एट लालपुर अमरकंटक मध्य प्रदेश एंड रीजनल कैंपस एट इम्फाल मणिपुर एलिजिबल कैंडिडेट्स वुड फिल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट एंड मस्ट सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटो ऑफ ऑल स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी जो फोटो है अटेस्टेड फोटो आपकी सर्टिफिकेट्स की मार्कशीट्स की और जो आपका रिजर्वेशन की जो भी है वो सभी आप हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी है डेट्स देखिए ओपनिंग डेट सात नौ दो हज़ार बीस क्लोजिंग डेट छः दस दो हजार बीस लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी पंद्रह दस दो हजार बीस लेट्स चेक द नंबर ऑफ टीचिंग पोजिशंस देखिए प्रोफेसर टोटल ट्वेंटी टू पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर फोर्टी वन असिस्टेंट प्रोफेसर फोर्टी नाउ चेक योगा पोजिशंस देखिए कैमिस्ट्री कॉमर्स एजुकेशन योगा की पोस्ट देखिए पे है इन्वायरमेंटल साइंस हिस्ट्री होम साइंस नर्सिंग फार्मेसी फ़िजिकल एजुकेशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छी पोस्ट है आप अप्लाई कर सकते हो देखिए प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर टोटल सेवन पोस्ट और रीजनल सेंटर में भी पोस्ट हैं ये भी सेवन है तो फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट देखिए सोशल वर्क सोशलोलॉजी थर्टी फाइव सीरियल नंबर थर्टी फाइव देखिए योगा की प्रोफेसर टोटल वन पोस्ट अनरिजर्व नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर वन पोस्ट ओ नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर टू पोस्ट वन ओ एंड वन ई नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है यू के अनुसार यू जी नेट और पी को प्रेफरेंस दी जाती है नेक्स्ट देखिए टर्म कंडीशन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए थर्ड पॉइंट देखिए कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स तो इंटरव्यू के टाइम आपको जो सभी जो सर्टिफिकेट हैं डिग्रीज हैं वो ओरिजिनल ले जाने होंगे रिजर्वेशन के जो सर्टिफिकेट हैं वो भी ओरिजिनल होने चाहिए नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो oh, लगभग तीन गुना कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट एट्थ पॉइंट देखिए एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन एंड एज विल बी कंसिडर्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो लास्ट डेट तक आप फुलफिल करने चाहिए क्वालिफिकेशंस को नेक्स्ट देखिए एलेवन्थ पॉइंट तो आप अपडेट्स के लिए रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहिए नेक्स्ट देखिए ट्वेल्थ पॉइंट जो एस सी एस टी ओ बी सी के कैंडिडेट्स हैं वो अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो ले जाएं ओरिजिनल और जो आप फॉर्म जो हार्ड कॉपी भेजोगे उसके साथ भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आपका जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है एप्लीकेशन फ़ी देखिए अन रिजर्व ओ बी सी डब्ल्यू एस के लिए हज़ार रुपये एस सी एस टी पी डब्ल्यू कैटेगरी के लिए फाइव हंड्रेड रुपीज़ पाँच सौ रुपये नेक्स्ट देखिए हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसकी हार्ड कॉपी आपको पंद्रह दस दो हज़ार बीस तक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजनी होगी और उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपकी जो प्रूफ ऑफ एज है क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस है उनकी डिक्लेरेशन फॉर्म एंडोर्समेंट बाय द इम्प्लॉयर एन सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट सैलरी स्लिप अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ रेगुलर स्केल ऑफ़ पे प्रूफ इफ़ एम्प्लॉयड अगर आप इम्प्लॉय हैं तो जो सैलरी की स्लिप है वो सेल्फ टेस्टेड आप भेजोगे और इंटरव्यू के टाइम भी ले जाओगे और जो हार्ड कॉपी है वो पंद्रह दस दो हज़ार बीस तक इस एड्रेस पे पहुंच जानी चाहिए ये जो एड्रेस है इसको नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट आपका जो पर्सनल ईमेल मेल होनी चाहिए और आपका जो इंटरव्यू के लिए कॉल है वो ई मेल पे आएगा और कुछ कैंडिडेट्स को इनबॉक्स में नहीं मिलता है इंटरव्यू का कॉल लेटर या और भी कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स तो उसके लिए आप स्पैम चेक कीजिए जो इनबॉक्स के अलावा नीचे ऑप्शन होता है सेंट आउटबॉक्स और सबसे नीचे आपको मिलेगा स्पैम का तो जो स्पैम बॉक्स है उसको भी आप चेक कर करते रहिए उसमें भी आ सकता है ये और एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि जो नेम है कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है पेरेंट्स का नेम है वो बोल्ड लेटर में लिखना है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे उस टाइम आपको बोल्ड लेटर में लिखना होगा ये ध्यान रखना है और देखिए अदर कंडीशन में क्या होगा इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए सेकंड देखिए कैंडिडेट्स हुई इज़ ऑलरेडी इन सर्विस शुड सबमिट हीज़ हर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल तो जो पहले से सर्विस में इंप्लाइज हैं वो अपना जो प्रॉपर चैनल से अप्लाई करेंगे और एन भी साथ में उसके अटेस्टेड करेंगे और एन भी शो करेंगे इंटरव्यू के टाइम और भी इसको चेक कर लीजिए आप अच्छी तरह से नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स तो इसके लिए आप वेबसाइट चेक करते रहिए अपडेट्स के लिए नेक्स्ट देखिए सिक्स पॉइंट जो कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और फीस भी सब पोस्ट के लिए अलग अलग सबमिट करनी होगी ये सिक्स पॉइंट है कैंडिडेट डिजायर टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म ईच पोस्ट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फी तो जितनी अगर आप तीन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको सेपरेट फी भी पे करना होगा नेक्स्ट देखिए टेंथ पॉइंट कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो वहाँ पे आपको कोविड नाइन्टीन का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो लेके जानी है और आपका नेगेटिव होनी चाहिए रिपोर्ट तो ये सब चीज़ें आप नेक्स्ट देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट है नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है एस बी ओ रामची की तो देखिए ये होम पेज है इसमें देखिए एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ पर मिलेगी होम पेज को आप जब स्क्रोल डाउन करोगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा क्विक लिंक्स में ये होम पेज को स्क्रॉल डाउन करते रहिए ये देखिए क्विक नेविगेशन क्विक नेविगेशन में होम नोटिस क्विक नेविगेशन का एक और जो कॉलम है उसमें देखिए आवर ब्लॉग ये देखिए कैरियर एट एस बी यू इस पर जब आप क्लिक करोगे तब एक नया होम जो पेज है वो ओपन होगा इस तरह से पेज ओपन होगा तो उसमें देखिए आप स्क्रॉल डाउन कीजिए कैरियर एट एस बी यू तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंट लिंक्स इसमें इमीडिएट पोजिशन डिटेल नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो प्राप्त होगी और आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन भी यहाँ से कर सकते हैं इसके अलावा जो इसका एप्लीकेशन लिंक है जो ऑनलाइन फॉर्म का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इस वीडियो के तो आप वहाँ से भी जाके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है तो देखिए इसमें योगा की पोस्ट का है पहले सब फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की नेक्स्ट देखिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फैकल्टी ऑफ योगा एंड ह्यूनिटी इसमें सीरियल नंबर टू पे देखिए योगा एंड नेचुरोपैथी में योगा फिलोस योगा एंड साइकोलॉजी योगा एंड नेचुरोपैथी योगा एंड अल्टरनेट थेरेपी एंड संस्कृत ये पोस्ट हैं नेक्स्ट देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसके लिए आपका नेट होना चाहिए और पी एच डी इज़ मैंडेट्री फॉर ऑल प्रोग्राम्स ये आपको ध्यान रखना है पी एच डी कंपलसरी है पी एच डी आपकी होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेक्स्ट देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए गुड अकेडमिक रिकॉर्ड विद पी डिग्री मास्टर डिग्री में पचपन परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए उसके अलावा मिनिमम एट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे इसके अलावा आपका ए और पी बी स्कोर भी चेक किया जाएगा प्रोफेसर के लिए आप चेक कर लीजिए क्वालिफिकेशन मिनिमम टेन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हाउ टू अप्लाई इंस्ट्रक्शनस टू फॉलो इसमें देखिए दोज हुव अप्लाइड इन रिस्पॉन्स टू आवर प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट इन ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी नीड नॉट टू अप्लाई अगेन जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है वो दोबारा से अप्लाई नहीं करेंगे नेक्स्ट देखिए बिफोर अप्लाइंग द एप्लीकेंट शुड रीड द कम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड इन्श्योर दैट ही फुलफिल्स द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पोस्ट स्टेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट इन ऑल रिस्पेक्ट ऑन द लास्ट डेट देखिए आपकी फ़िफ्टीन सेप्टेम्बर तक एजुकेशन क्वालिफिकेशनस कम्प्लीट होनी चाहिए नेक्स्ट देखिए जो एम्प्लॉइज हैं वो एक प्रॉपर चैनल से अप्लाई करेंगे नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप वेबसाइट चेक करते रहिए रेगुलर किसी भी अपडेट के लिए नेक्स्ट देखिए हाउ टू अप्लाई में एप्लीकेंट हैव टू फिल एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट करियर सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट तो देखिए लास्ट डेट 15 सितंबर है इस डेट तक आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे और जो इसका एप्लीकेशन लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए इस वीडियो के नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है इन्हें गरबाई वैदिक एंड योगिक इंस्टीट्यूट की तो देखिए इस पोस्ट के लिए आई विल नॉट रिकमेंड यू टू अप्लाई हेयर फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो पहले अच्छी तरह जांच कर लीजिए कि क्या ये पोस्ट सही है फिर ही अप्लाई कीजिए तो देखिए इसमें गेस्ट टीचर सबसे पहले ग्रुप ए पोस्ट गेस्ट टीचर की है इसमें देखिए संस्कृत साइकोलॉजी कंप्यूटर योगा की पोस्ट देखिए फाइव पोस्ट हैं क्वालिफिकेशंस देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशंस एनी ग्रेजुएशन विद ए डी वाई टी इन योग पी जी डी वाई टी बी ए बी एस इन योग टोटल पोस्ट फाइव है नेचुरोपैथी की टू पोस्ट है क्वालिफिकेशन सेम एज़ अबो विद वन ईयर एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट फील्ड नेक्स्ट पोजिशन देखिए वैकेंड पोजिशन योग थेरेपिस्ट टू पोस्ट है योग थेरेपिस्ट की एनी ग्रेजुएशन विद एडवांस डिप्लोमा इन योगा पी जी डी वाई टी और एनी इक्विलेंट कोर्स लेवल टू पास वाई सी बी आयुष नेक्स्ट है योग एजुकेशन ऑफिसर थ्री पोस्ट है सेम एज़ अबो विद टू ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस एंड पार्टिसिपेट और रैंक होल्डर इन स्टेट और नेशनल योगा चैम्पियनशिप तो देखिए ऐसी क्वालिफिकेशन किसी भी पोस्ट के लिए नहीं मांगी जाती है तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है ये पोस्ट तो आप चेक कर लीजिए अप्लाई करने से पहले उसके बाद देखिए योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट फाइव पोस्ट हैं योगा इंस्ट्रक्टर की फाइव पोस्ट टेन प्लस टू विद डिप्लोमा कोर्स इन योगा और वाई और वाई लेवल वन योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है ये नेक्स्ट देखिए योग असिस्टेंट की टेन पोस्ट है ये देखिए योग असिस्टेंट टेन पोस्ट टेंथ पास एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन योग नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी असिस्टेंट क्वालिफिकेशन सेम एज वो पंचकर्मा असिस्टेंट सेम एज पोस्ट वन जीरो वन नाइन देखिए जो ये पंचकर्मा असिस्टेंट की पोस्ट है टू पोस्ट है तो पंचकर्मा के लिए असिस्टेंट के लिए पंचकर्मा का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा जाता है ऑल इंडिया में लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वन ज़ीरो वन नाइन की पोस्ट की सेम क्वालिफिकेशंस यानी कि उसके पास टेंथ पास हो और सर्टिफिकेट कोर्स हो योग एंड नेचुरोपैथी में तो देखिए बहुत ज़्यादा डाउटफुल है ये पोस्ट बहुत ज़्यादा डाउटफुल है और आप मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लीजिए पंचकर्मा की पोस्ट के लिए ऐसी क्वालिफिकेशंस ऑल इंडिया में आज तक कहीं नहीं मांगी गई है नेक्स्ट देखिए एस्टिमोनियल्स टू बी सेंट बाई पोस्ट आपको बाई पोस्ट भेजना है ये एड्रेस है एज एटीन टू फोर्टी फाइव ईयरस सेल्फ टेस्ट फोटो कापी आपको सेंड करनी है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो फोर कॉपी एंड वलअप विद टेन स्टैम्प इट एग्ज़ाम फी ग्रेड ए के लिए फाइव हंड्रेड ग्रुप बी के लिए थ्री हंड्रेड ग्रुप सी के लिए वन फिफ्टी ग्रेड डी के लिए हंड्रेड रुपीज़ ये अकाउंट है देखिए काफ़ी डाउटफुल है ये ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये देखिए तो इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म कभी नहीं होता इस तरह की पोस्ट के लिए सो यू मस्ट इन्वेस्टिगेट बिफोर अप्लाइंग हेयर इट मे बी ए फ्रॉड सो दिस वाज द टूडेज़ इंफॉर्मेशन थैंक यू